सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, सुबह जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास रोकनी पड़ गई थी। हुआ क्या था, क्योंकि विवेक जी थे नहीं, विवेक जी कहीं बाहर गए थे, और मैं सोचा कि क्वेश्चन जो है लगा भी दूंगा और पढ़ा भी दूंगा। और हो क्या रहा था दोस्तों कि मेरे स्क्रीन पर तो क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन आपकी स्क्रीन पर वो क्वेश्चंस नहीं दिख रहे थे। तो इसीलिए जो है आपकी क्लास रोकनी पड़ गई थी दोस्तों, सॉरी उसके लिए। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि अब जो है हम लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब हम लोगों को लग जाना है दोस्तों, एकदम लग के तैयारी करना है। अर्थात दोस्तों, अब जैसा कि अभी तक तो मैं पहले भी दोस्तों मैंने कई बार जैसे फेसबुक पर कुछ बच्चे कहे कि जो है एग्जाम कब तक होगा, तो जब मैंने उनको बताया कि 10 अक्टूबर के बाद ही आपका एग्जाम होगा, उसके पहले तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो उसमें कुछ लोग जो है उल्टा सीधा बोलने लगे कि क्या रेलवे तुम्हारे रिश्तेदार, वो क्या कहते हैं एयरफोर्स वाले तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या, जो तुमको पता है ये है वो है, और बहुत सारे बच्चे कमेंट किए दोस्तों। लेकिन जो है जैसा मैंने कहा था वही हुआ दोस्तों, आपका एग्जाम जो है नवंबर फर्स्ट वीक में आएगी, मतलब स्टार्ट होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है डेट। ठीक, तो वही चीज दोस्तों कि आप लोग जो है अब लग जाइए हमारे साथ, पूरा एकदम तैयारी झोंक दीजिए दोस्तों। अगर जो बच्चे पुरानी क्लास नहीं देखे हैं वो पुरानी क्लास जरूर देख लेंगे दोस्तों, एक एक क्लास वो डेली देखें, और पैसेज वाली क्लास, पैसेज वाली और महामैराथन वाली क्लास, ये दोनों क्लास आप लोग जरूर देख लीजिए दोस्तों। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, अंकित, आशीष, मुकुंद, अभिषेक, किशन, नितेश कुशवाहा, आप सब लोग एक बार शेयर करिए दोस्तों, एक बार शेयर करिए, उसके बाद हम लोग सेशन का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार आप लोग शेयर करिए, उसके बाद हम लोग सेशन का स्टार्ट करते हैं। वर्ड आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिएगा, शुड मस्ट प्लस गॉट, शुड हैव प्लस गेट, डिड नॉट went, does not, ran, will, shall, met, have been, complete, has been, complete, was, where, call या was, were भी पढ़ सकते हैं आप, और was, were, call, used to, call, be, get used to, call, can be, able to, go। तो दोस्तों आपको वर्ड दिखा होगा, 10 वर्ड लिखा हुआ है। अब इसमें समझिएगा कि करेक्ट क्या होगा, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। मतलब ये दोस्तों कि जैसा कि मैंने बताया टेंस में आप लोगों को, कि अगर आपको बिल, सेल, उड, सुड, मे, माइट, अगर ये सब मिल जाते हैं, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मतलब क्या दोस्तों, अगर आपको कहीं बिल मिल जाएगा, कहीं आपको सैल मिल जाएगा, कहीं आपको मे मिल जाएगा, कहीं आपको माइट मिल जाएगा, कहीं आपको सुड मिल जाएगा, कहीं आपको उड मिल जाएगा, तो इसके सबके साथ दोस्तों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और वहीं दोस्तों अगर आपको डू मिल जाएगा, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अगर आपको डज मिल जाएगा, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अगर आपको डिड मिल जाएगा, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मतलब दोस्तों इनके सबके साथ हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें बिल हैव की, सैल हैव की, हैज की, हैव की, या फिर हैड की दोस्तों, तो इनके सबके साथ दोस्तों हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। इनके सबके साथ दोस्तों हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। यही दो चीज आप याद रखिएगा, यही दो रूल आप याद रखिएगा कि कभी भी, अब जैसे इसमें पहला वर्ड लिखा है शुड मस्ट गॉट, तो दोस्तों गेट, गॉट, गॉटेन, तो गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट है, और हमने कहा कि विल, सैल, मे, माइट, मस्ट, इसके सबके साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तो इसका मतलब शुड मस्ट के साथ गॉट नहीं होगा, शुड मस्ट के साथ गेट होगा दोस्तों। वहीं अगर हम अगले वर्ड पर चले तो शुड हैव गेट लिखा हुआ है, और हमने कहा दोस्तों कि चाहे विल हैव हो, चाहे शैल हैव हो, चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, चाहे उड हैव हो, चाहे शुड हैव हो, इनके सबके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात शुड हैव प्लस गेट लिखा है तो शुड हैव प्लस गॉट आगे दे दिया गया है ना, गॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर वहीं देखिए डिड नॉट वेंट लिखा हुआ है दोस्तों, तो डिड के साथ दोस्तों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, अर्थात डिड नॉट वेंट नहीं होगा, डिड नॉट गो हो जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों विल सैल मेट लिखा हुआ है, और मेट आपका सेकेंड फॉर्म है, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट होता है, तो यहां पर डिड नॉट के साथ वेंट कभी नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसी तरह विल सैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगला देखिए हैज बीन कंप्लीट लिखा है दोस्तों, तो अब सुनिएगा हैज बीन लिखा है, ठीक दोस्तों हैज बीन लिखा है, और हैज बीन के साथ जो है हैज बीन है बीन हैड बीन बिल है बीन सेल है बीन, इनके सबके साथ नॉर्मल कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो दोस्तों हैज बीन कंप्लीट लिखा है तो हैज बीन कंप्लीट ना हो करके हैज बीन कंप्लीटिंग होगा, आईएनजी लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वहीं अगर नीचे वाले वर्ड पर चले दोस्तों तो लिखा है बी या गेट यूज्ड टू कॉल, तो दोस्तों यूज्ड टू क्या लिखा है, गेट यूज्ड टू, तो इसके साथ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, मतलब बी या गेट यूज्ड टू इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, गेट यूज्ड टू इतना होना चाहिए याद रखिएगा, यूज्ड टू अलग है और गेट यूज्ड टू अलग है, तो गेट यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर हम आखिरी वर्ड पर देखें दोस्तों तो कैन बी एबल टू गो, तो याद रखिएगा चाहे आप कैन का प्रयोग करिए और चाहे आप एबल टू का प्रयोग करिए, दोनों एक ही है दोस्तों, चाहे आप कैन का प्रयोग करिए चाहे आप एबल टू का प्रयोग करिए, दोनों चीज एक ही है, मतलब दोस्तों या तो कैन गो होगा और या तो बी एबल टू गो होगा, कभी भी कैन और एबल दोनों साथ नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों कैन मतलब सकना और एबल का मतलब भी होता है योग या फिर सकना, तो इसीलिए दोस्तों ये दोनों कभी साथ नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग एरर पर डिस्कस करते हैं, आखिर एरर किस तरह से बनती है सुनिएगा, और एरर क्या है सुनिएगा, मतलब देखिएगा आपकी स्क्रीन पर लगा होगा पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, आपकी स्क्रीन पर लगा है दोस्तों, क्या कह रहा है सुनिएगा, पहला कह रहा है दोज मूमेंट्स कैन नॉट कम बैक, दोज मूमेंट्स वे क्षण कैन नॉट कम बैक वापस नहीं आ सकते, सो इसलिए यू मस्ट नॉट ट्राइड फॉर इट, यू मस्ट नॉट मतलब तुम्हें नहीं चाहिए, ट्राइड माने प्रयास करना, फॉर इट मतलब उसके लिए, तो दोस्तों ये बताइए पहले वर्ड में कौन सा एरर है किस पार्ट में, आप पहले ये बताइए दोस्तों पहले पार्ट में कौन सा एरर है आप ये बताइए, अगर देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही हो तो मैं लिख दे रहा हूं, लिखा है दोस्तों दोज मूमेंट्स कैन नॉट कम, दोज मूमेंट्स कैन नॉट कम बैक, तो दोस्तों इसमें दोज मूमेंट्स आपका ए पार्ट है, कैन नॉट कम बैक आपका बी पार्ट है, उसके बाद सो यू मस्ट नॉट ट्राइड फॉर इट,
ये आपका सी पार्ट है और एक है दोस्तों नो एरर। तो आप बताइए कि पहले वाले में कौन सा एरर है। जी हाँ दोस्तों, पहले वाले के किस पार्ट में एरर है दोस्तों, कमेंट करिए और बताइए कि पहले पार्ट के किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों देख रहा हूं कमेंट आ रहे हैं, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों। 15 बच्चे पार हो जाएंगे तो आपको मैं आज एक शायरी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी शायरी है। तो दोस्तों सुनिएगा, अब हम बताएं दोस्तों कि कभी भी दोस्तों, चाहे मस्ट हो, चाहे सैल हो, चाहे सुड हो, इसके सबके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और यहाँ पर ट्राइड लिखा हुआ है, अर्थात जो हमारा एरर है वो सी पार्ट में एरर है, ट्राइड नहीं होगा बल्कि ट्राई होगा। ठीक, अगला दूसरा वर्ड बताइए, दूसरे वर्ड में क्या एरर है। माई स्टूडेंट्स यूज्ड टू टैग्ड टू मी इन माई यंग एज। माई स्टूडेंट्स माने मेरे स्टूडेंट्स या मेरे विद्यार्थी यूज्ड टू टैग्ड बातें किया करते थे। यूज्ड टू का मतलब होता है दोस्तों किसी आदत को बताया जाए जो कि पहले, या फिर कोई ऐसा स्थान जो पहले रहा हो और अब ना हो। मतलब जैसे आप कहीं गुजर रहे हैं किसी रास्ते से और वहां पर आपका पुराना स्कूल था एक जो कि अब नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर मेरा स्कूल हुआ करता था। तो दोस्तों जब किसी आदत की चर्चा की जाए या फिर किसी ऐसी चीज की चर्चा की जाए जो पहले थी और अब नहीं है, तो वहां पर यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और यहां पर देखिए दूसरे पार्ट में जो एरर है वो पार्ट वन में एरर है दोस्तों, यूज्ड टू के साथ कभी भी वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं रहेगी दोस्तों। तो अर्थात दूसरे वाले में भी ए पार्ट में एरर है। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा और चौथा देखते हैं। तीसरा और चौथा क्या कह रहा है सुनिएगा। नाउ सी इज यूज्ड टू रीड ऑल हर चैप्टर्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। सुनिएगा, नाउ माने अब, सी इज यूज्ड टू रीड। अब देखिए यूज्ड टू रीड लिखा हुआ है दोस्तों और हमने कहा कि यूज्ड टू अगर मिला है तो उसके साथ कालिंग लिखा जाएगा, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो यहां पर दोस्तों जो एरर है वो बी पार्ट में एरर है। और चौथे में आप लोग बताइए दोस्तों क्या एरर होगी। चौथे में आप लोग बताइए, विशाल बताइए, नितेश बताइए, आप भी बताइए, गौरव बताइए, आप भी बताइए, चंदन बताइए, आप लोग एक बार लाइक करिए दोस्तों, देख रहा हूं लाइक बहुत कम है, एक बार लाइक करिए और बताइए कि चौथे में एरर कहां पर होगा। तो देख रहे हैं अनुज आप भी सही जवाब दे रहे हैं, नितेश ठीक बता रहे हैं, नील प्रताप आप भी सही बता रहे हैं, अभिषेक आप भी सही बता रहे हैं, भाई बंधु ठीक है। तो चलिए देखिए, हमने कहा दोस्तों कि कभी भी कैन, इसमें देखिए लिखा कैन नॉट बी एबल टू, तो चाहे आप कैन नॉट का प्रयोग कर दीजिए और चाहे आप बी एबल टू का प्रयोग कर दीजिए, दोनों एक ही है। तो दोस्तों जो एरर होगी वो बी पार्ट में एरर होगी। इसमें देखिए कलम से लगा हुआ भी है, आप उसके उसमें ना पढ़िएगा। आगे लिखा है ही शुड नॉट बिहेव्ड, पांचवा और छठवा देखिएगा दोस्तों, पांचवा और छठवा देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा है दोस्तों। कह रहा है पांचवे में शुड नॉट बिलीव्ड। तो दोस्तों शुड नॉट के साथ मैंने बताया कि शुड हो, बिल हो, इसके सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो पांचवे में जो एरर है दोस्तों बी पार्ट में है और छठे में देख रहे हैं मस्ट है, मस्ट के साथ क्या है दोस्तों, मस्ट हैव लिखा है। और मस्ट हैव अर्थात दोस्तों अगर हैज हैड मिल जाए किसी चीज में जुड़ जाए, बिल हैव सेल हैव, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो दोस्तों इसमें भी आपका बी पार्ट में एरर है। किसी को कहीं दिक्कत है दोस्तों बताइए, किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों बताइए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों फोबिया पे। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे फोबिया पे।
आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों का है फोबिया और मेनिया। तो अब सुनिए फोबिया का मतलब क्या हुआ। अगर किसी वर्ड के अंत में, किसी वर्ड के अंत में फोबिया मिल जाए या किसी वर्ड के अंत में मेनिया मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है, सुनिएगा। फोबिया का मतलब होता है भय या फिर फियर या फिर डर, ठीक। वहीं दोस्तों मेनिया, मेनिया का मतलब होता है सनक, ठीक, या आदत। जैसे वह अंधेरे से डरता है, ठीक, वह अकेलेपन से डरता है, वह हवाई यात्रा से डरता है, वह ऊंचाई से डरता है। कार्य करने की सनक, कार्य करने की सनक की इंग्लिश क्या होगी बताइए आप लोग। जो बच्चे स्टार्टिंग में देखे होंगे तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक वर्ड जिसका अर्थ हमने बताया था कार्य करने की सनक, शायद वो पहला दिन था। तो कमेंट करिए बताइए, देखता हूं कौन कौन से बच्चे याद किए हैं उसको। नील प्रताप कमेंट करिए, मानस, सुभाष गोद्रा आप भी कमेंट करिए, काफी दिन से आप क्लास नहीं ले रहे थे। तो दोस्तों सुनिएगा, मैं बता देता हूं, हमने एक वर्ड बताया था ERGOMANIA, एर्गोमेनिया, और एर्गोमेनिया का मतलब हमने बताया था दोस्तों कार्य करने की सनक, ठीक। एर्गोमेनिया का मतलब हमने बताया था दोस्तों कार्य करने की सनक, अर्थात अगर वर्ड के अंत में मेनिया मिल जाए तो उसका मतलब सनक होता है, और वहीं वर्ड के अंत में अगर फोबिया मिल जाए तो उसका मतलब डर होता है या भय होता है। तो चलिए हम वर्ड पर देखते हैं। पहला वर्ड है एरोफोबिया, AEROPHOBIA, एरोफोबिया। अब देखिए दोस्तों फोबिया लग गया, फोबिया का मतलब फियर, तो याद रखिएगा आप कि फोबिया का मतलब फियर होता है। अब एरो लगा हुआ है आगे, एरो का मतलब क्या होता है सुनिए दोस्तों, एरो का मतलब एयर, सुने हैं एयर कंडीशन, कहीं अरे बड़ी एयर कंडीशन गाड़ी रही। तो दोस्तों एयर कंडीशन का मतलब हुआ, एयर मतलब हवा, हवा का मतलब क्या हुआ दोस्तों एयर, तो क्या हो जाएगा फियर ऑफ एयर, यानी कि हवा का डर, या फिर दोस्तों एरोफोबिया हवाई यात्रा का डर, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे एरोफोबिया, मतलब हवा या हवाई यात्रा का भय या हवाई यात्रा का डर, उसे क्या कहेंगे दोस्तों एरोफोबिया कहेंगे। जैसे दूसरा वर्ड लिखा हुआ है एगोराफोबिया, दूसरा वर्ड एगोराफोबिया, जी हां दोस्तों। अब हमने कहा फोबिया लिखा है तो ऑप्शन में केवल आप यह ढूंढिए कि किसमें आपको फियर मिल रहा है, ठीक, ऑप्शन में केवल यह ढूंढना है किसमें आपको फियर मिल रहा है। तो अब फियर, लेकिन अगोरा का मतलब क्या होता है दोस्तों ये बताइए, अघोरी बाबा को देखे हैं कि नहीं, ना देखे हो तो आज कोई सांप वाली मूवी देख लीजिएगा, नगीना निगाहें जानी दुश्मन, तो इसमें सब में देखिए तो जो सांप वाली मूवी रहती है उसमें एक सपेरा रहता है, उसे कहते हैं अघोरी बाबा। तो अगोरा, अगोरा का मतलब दोस्तों अकेला, अगोरक मतलब अकेला। तो फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ लोनलीनेस या फिर फियर ऑफ एलोन, मतलब अकेलेपन से जो डर लगता है दोस्तों, या खुले स्थान से जो डर लगता है, खुले स्थान से जो डर लगता है दोस्तों, फियर ऑफ ओपन, खुले स्थान से भय। तो वही चीज अकेला नहीं होगा, एक मिनट रुक जाइएगा, वो दूसरा है फियर ऑफ ओपन, मतलब खुले स्थान से भय दोस्तों, क्या हो जाएगा खुले स्थान से भय। तो खुले स्थान से भय का मतलब हुआ दोस्तों अगोराफोबिया, अगोराफोबिया का मतलब हुआ दोस्तों खुले स्थान से भय। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों, वहीं अगर हम आगे बात करें सुनिएगा,
जो हमने बताया अभी हमने बोल दिया दोस्तों, उसको मैं बता ही देता हूं, मोनोफोबिया। अब देखिए दोस्तों, फोबिया का मतलब होता है डर और मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। तो वही लिखा है दोस्तों मोनोफोबिया, और मोनोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों फियर ऑफ लोनलीनेस, मतलब फियर ऑफ लोनलीनेस मतलब अकेले होने का भय जो होता है दोस्तों, अकेले होने का जो भय होता है उसे मोनोफोबिया कहते हैं। और मोनोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों अकेले होने का भय। किसी को कहीं दिक्कत तो नहीं दोस्तों? हमारे साथ ऐसे नोट्स बनाते चलिए, आप हमारे साथ दोस्तों नोट्स बनाते चलिए। आगे चलते हैं, अगला वर्ड क्या है देखिएगा, अगला वर्ड है दोस्तों एब्लूटोमेनिया। क्या कह रहा है सुनिएगा, अगला वर्ड है ए ब्लूटो, स्पेलिंग है दोस्तों ए बी एल यू टी ओ, ए बी एल यू टी ओ और एम ए एन आई ए, एब्लूटोमेनिया। तो दोस्तों सुनिएगा, मेनिया का मतलब हमने बताया सनक, सनक का मतलब क्या हुआ दोस्तों आदत, और आदत का मतलब क्या हुआ दोस्तों ऑब्सेशन, ओ बी ओ बी एस ई डबल एस आई ओ एन, ऑब्सेशन का मतलब होता है दोस्तों सनक। तो ऑब्सेशन ऑफ, ऑब्सेशन मतलब सनक, ऑफ माने का, एब्लूटो का मतलब क्या होता है उसको सुनिएगा, एब्लूटो का मतलब होता है दोस्तों नहाना या धोना। तो ऑब्सेशन ऑफ बाथ, बाथिंग या वॉशिंग, ठीक। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि नहाने या धोने की जो सनक होती है उसे कहते हैं ऑब्सेशन ऑफ बाथिंग या वॉशिंग या फिर एब्लूटोमेनिया। सुनिएगा दोस्तों, एक बार मैं अपना एग्जाम देने गया था और किसी के यहां रुकना पड़ा गया था, तो वहां रुका था मैं, उनके यहां एक छोटी सी बच्ची थी और गर्मी का समय था, तो वो मैं एक दिन रहा वहां पे और देखा कि वो दिन भर में कम से कम 12 बार नहाई होगी। तो दोस्तों ये सनक होती है, नहाने की सनक, तो नहाने की सनक जो होती है दोस्तों उसे कहते हैं एब्लूटोमेनिया या फिर ऑब्सेशन ऑफ बाथिंग या वॉशिंग। केवल आप इतना याद रखिएगा, अगर मेनिया शब्द मिल जाए तो ऑप्शन में ऑब्सेशन ढूंढिएगा, ऑब्सेशन जिसमें मिलेगा वही आपका सही हो जाएगा। अगर आपका एक से ज्यादा में ऑब्सेशन मिलता है तब आपको एब्लूटो का याद रखना पड़ेगा, एब्लूटो मतलब होता है नहाना या धोनिया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और आज का आखिरी वर्ड देखते हैं फोबिया और मेनिया में। अगला वर्ड है दोस्तों डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया। मेनिया का मतलब हो गया दोस्तों ऑब्सेशन ऑफ, आप देखिए डिप्सो, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे डिप्सो का मतलब क्या हुआ, अरे भाई डिप्स मारते हैं आप, कहीं देखा आज हम 50 डिप्स मारे। अगर जो है ज्यादा डिप्स मारना है तो क्या करेंगे आप बताइए, कुछ जुगाड़ बताइए। अरे भाई वो है ना, क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिंक, अर्थात एक बोतल वोडका और डिप्स मारा ढेर के। तो वही चीज है डिप्सोमेनिया का मतलब होता है डिप्स, डिप्सो का मतलब होता है दोस्तों शराब। तो शराब पीने की जो सनक होती है दोस्तों उसको कहते हैं डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया का मतलब क्या हुआ शराब पीने की सनक, या फिर दोस्तों ऑब्सेशन ऑफ ड्रिंक, ऑब्सेशन ऑफ ड्रिंक का मतलब हुआ कि शराब पीने की जो सनक होती है उसे कहते हैं डिप्सोमेनिया या फिर ऑब्सेशन ऑफ ड्रिंक। तो एक बार जल्दी से दोस्तों जय हिंद लिखिए, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए, फिर हम अगले सेशन पर चलते हैं, अगले वर्ड पर चलते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो एक बार जय हिंद लिखिए और तब तक मैं आपको एक चार लाइन सुना देता हूं
और तब तक आप कुछ बच्चे शेयर भी कर दे दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए और सुनिए दोस्तों। हाथ खाली है, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो तेरी जान लुटा देते। क्या कहा फिर सुनिएगा। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो तेरी जान लुटा देते। हमसे पहले भी कई मुसाफिर गुजरे होंगे, हमसे पहले भी कई मुसाफिर गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर हम लोग इस राह पर चल रहे हैं तो इस राह पर जितनी भी मुश्किलें आनी है वो सारी मुश्किलों का सामना हम लोग करेंगे और इस बार जरूर सिलेक्शन लेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक क्या है सुनिएगा। अगला टॉपिक हम लोगों का है उसी के आगे दोस्तों। हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग मेनिया या फोबिया वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो प्रीपोजिशन में क्या है सुनिएगा आज का। प्रीपोजिशन में हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ वही प्रीपोजिशन आता है वो फिक्स रहता है। जैसे मैं पहला लिख रहा हूं कोप विथ, कोप के साथ दोस्तों हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है, और कोप विथ का मतलब होता है दोस्तों निपटना। कोप विथ का मतलब होता है निपटना, अर्थात दोस्तों कोप के साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाएगा। कोप विथ का मतलब होता है निपटना, अर्थात वी आर एबल टू कोप विथ द प्रेजेंट सिचुएशन। वी आर एबल मतलब मैं योग्य हूं, टू कोप विथ मतलब निपटने के लिए द प्रेजेंट सिचुएशन वर्तमान स्थिति से। तो मतलब कोप विथ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोप विथ मतलब हुआ निपटना, और कोप के साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम अगले वर्ड की बात करें दोस्तों, एडाप्ट टू, अगले वर्ड की बात करें दोस्तों तो एडाप्ट टू, और एडाप्ट टू का मतलब क्या होता है बताइए, किसी को पता हो दोस्तों एडाप्ट टू का मतलब क्या होता है। कुछ लोग सोचेंगे सर जी एडाप्ट मतलब गोद लेना, तो एडाप्ट टू का मतलब होता है दोस्तों परिस्थिति के अनुसार ढालना, परिस्थिति के अनुसार ढालना। मतलब क्या हुआ दोस्तों सुनिएगा, हम जो है अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेंगे। तो वी एडाप्टेड आवर सेल्फ, हम आवर सेल्फ मतलब स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेंगे। वी एडाप्टेड आवर सेल्फ, तो एडाप्टेड टू आवर सेल्फ हो जाएगा। ठीक, एडाप्टेड के साथ क्या लग जाएगा दोस्तों, टू का प्रयोग किया जाता है, या फिर एडाप्ट के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और एडाप्ट टू का मतलब होता है दोस्तों परिस्थिति के अनुसार ढालना। वहीं अगर अगले वर्ड की बात करें दोस्तों, अगले वर्ड की बात करें तो सुनिएगा, एपेटाइट के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग किया जाता है, और एपेटाइट फॉर का मतलब होता है दोस्तों चाहत होना, मतलब किसी चीज की चाहत होना, उसे ही कहते हैं एपेटाइट फॉर। या फिर दोस्तों आई हैव एपेटाइट फॉर एन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, मुझे भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बनने की चाहत है दोस्तों। जब मानना ही है दोस्तों तो कुछ अच्छा मानिए, अर्थात एपेटाइट के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होता है, और एपेटाइट फॉर का मतलब होता है दोस्तों चाहत होना। तो तीन वर्ड हमने देखा दोस्तों प्रीपोजिशन में, पहला देखा कोप विथ का मतलब निपटना, दूसरा देखा एडाप्ट टू का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार ढालना, और तीसरा देखा दोस्तों एपेटाइट फॉर, और एपेटाइट फॉर का मतलब होता है चाहत होना।
तो ये तीन वर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा, कोप के साथ हमेशा विथ आता है, एडाप्ट के साथ हमेशा टू आता है और एपेटाइट के साथ हमेशा फॉर आता है। आगे चलते हैं उसी क्रम में दोस्तों, और अगला वर्ड देखते हैं हम लोग ओ डब्ल्यू एस में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं दोस्तों, और देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके लिए क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके लिए क्या है आज, तो सुनिएगा। चलिए पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला वर्ड है दोस्तों, मिल गया, पहला वर्ड है लोडेशियन, एल ए ओ डी आई सी आई ए एन, एल ए ओ डी आई सी ई ए एन है दोस्तों, लोडिशियन है। और लोडिशियन का मतलब क्या होता है सुनिएगा, लोडिशियन का मतलब होता है पॉलिटिक्स, अर्थात ए पर्सन लैकिंग इन रिलीजन्स, मतलब एक ऐसा आदमी जो बेपरवाह हो, जिसे किसी भी चीज की कोई चिंता ना हो। अर्थात दोस्तों लोडिशियन का मतलब होता है बेपरवाह, तो एक व्यक्ति जिसे किसी चीज की चिंता ना हो उसे कहते हैं लोडिशियन, और लोडिशियन का मतलब होता है बेपरवाह। वहीं अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें दोस्तों, तो लेयर, एल ए आई आर, और लेयर का मतलब होता है मांड, मांड का मतलब होता है दोस्तों जहां पर जानवर रखे रहते हैं उसे ही कहते हैं मांड, या फिर ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव, मतलब ए प्लेस कहेंगे ना शेर की मांड है, शेर की गुफा है, तो ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव्ड। और दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये वर्ड लेयर, लेयर का मतलब होता है दोस्तों मांड और या फिर गुफा कह दीजिए दोस्तों, तो ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव, एक ऐसा स्थान दोस्तों जहां पर, अच्छा अभिषेक कह रहे हैं सर स्पेलिंग नहीं क्लियर हो रही है, डब्ल्यू आई एल डी है, वाइल्ड मतलब जानवर, तो दोस्तों एक ऐसा स्थान जहां पर जंगली जानवर रहते हो अर्थात गुफा, उसे कहते हैं लेयर। वहीं अगर हम अगले वर्ड की बात करें दोस्तों, अगले वर्ड की बात करें तो एमॉर्फस, ए एम ओ आर पी एच ओ एस, एमॉर्फस, एमॉर्फस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एमॉर्फस का मतलब क्या हुआ, ओ यू एस, एमॉर्फस का मतलब हुआ कि जिसका स्वरूप या आकार स्पष्ट ना हो, जिसका स्वरूप या आकार स्पष्ट ना हो उसे कहते हैं एमॉर्फस, यानी कि जिसका स्वरूप या आकार स्पष्ट ना हो, जिसका स्वरूप या आकार स्पष्ट ना हो उसे कहते हैं एमॉर्फस, अर्थात हैविंग नो डिफिनिट शेप, हैविंग नो डिफिनिट शेप मतलब जिसका आकार निश्चित ना हो, हैविंग नो डिफिनिट शेप, अर्थात दोस्तों हैविंग नो डिफिनिट शेप जिसका आकार निश्चित ना हो उसे कहते हैं दोस्तों एमॉर्फस, और एमॉर्फस का मतलब होता है जिसका आकार निश्चित ना हो दोस्तों। तो वहीं पर दोस्तों ये था हमारा ओ डब्ल्यू एस, ये था हमारा ओ डब्ल्यू एस, और अगर वहीं अगर हम चले आईपी पर चलें दोस्तों, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर चलें, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है देखते हैं आपके लिए। पहला वर्ड है दोस्तों ईडियम्स एंड फ्रेजेस में, ईडियम्स एंड फ्रेजेस में पहला वर्ड है दोस्तों, अर्थात आईपी में, आईपी या ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पहला वर्ड है दोस्तों फाइट साई ऑफ, जी हां दोस्तों एफ आई जी एस टी फाइट, एस आई जी एच एस एच वाई, फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, फाइट साई ऑफ का मतलब होता है बचना
या फिर परहेज करना। जी हाँ दोस्तों, फाइट साई ऑफ का मतलब होता है बचना या फिर परहेज करना। तो बचना, बचने का मतलब एवॉइड करना किसी को दोस्तों, ए वी ओ आई डी, एवॉइड करना। एवॉइड करने का मतलब बचना, किसी को अनदेखा करना। तो वही है फाइट साई ऑफ, मतलब बचना या परहेज करना, अर्थात दोस्तों एवॉइड। वही अगर हम अगले वर्ड पर चलें तो सुनिएगा, लैक ऑन, एल ए टी सी एच, लैच ऑन। अगला वर्ड है दोस्तों, दूसरा वर्ड लैच ऑन। तो सुनिएगा लैच ऑन का मतलब क्या हुआ। लैच ऑन का मतलब होता है दोस्तों किसी को प्रमोट करना, पी आर ए एम ओ टी, प्रमोट। और प्रमोट का मतलब होता है दोस्तों बढ़ावा देना। तो लैच ऑन मतलब हुआ, लैच ऑन का मतलब हुआ प्रमोट करना, और प्रमोट करने का मतलब हुआ दोस्तों बढ़ावा देना। वहीं अगर हम अगले वर्ड की बात करें तो दोस्तों एवब बोर्ड, तीसरा वर्ड ए वी ओ वी ई, एवब, बी ओ ए आर डी, एवब बोर्ड दोस्तों। और एवब बोर्ड का मतलब हुआ स्पष्ट होना, एवब बोर्ड का मतलब होना हुआ स्पष्ट होना, अर्थात क्लियर। क्लियर होना या स्पष्ट होना दोस्तों उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं एवब बोर्ड। और एवब बोर्ड का मतलब होता है स्पष्ट होना या फिर क्लियर होना। तो ये था आज का वर्ड दोस्तों। हमने तीन इडियम्स एंड फ्रेजेस देखे, तीन वर्ण वर्ड देखे, तीन प्रीपोजिशन देखे, और दोस्तों उसी के साथ हम लोगों ने 10 कॉमन एरर पढ़े। तो ये है दोस्तों, इसी तरह हम लोग अब लगातार करेंगे दोस्तों। और याद रखिएगा, प्रैक्टिस बैच में आप लोग जरूर आया करिए। प्रैक्टिस बैच से हमको ये पता चलता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अर्थात परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करते हैं। आपकी प्रैक्टिस सेट नहीं चला रहा था क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट, अभी जब क्लास खत्म हो जाए तब कमेंट करके बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट चलाई जाए कि नहीं दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।